आज हम लोग यूएनओ के बारे में पढ़ेंगे। यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में कहेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ। सबको इसकी डेट याद करने में प्रॉब्लम होती है, कब स्थापना हुई, कितने सदस्य हैं। आज देखिए सब कुछ इसी में मिलेगा, आप ध्यान से देखना है। यूएनओ हमने दिल्ली में सबकी प्लेस में भी पढ़ी है ना, तो देखिए यू का नंबर कितना होता है 21, एन का नंबर होता है 14, और ओ का नंबर होता है 15। तो इसका स्थापना कब हुई थी, स्थापना ध्यान से देखना है, सब इसमें मिलेगा। इसका लास्ट का 5 लिख दो, अब इसका लास्ट का 4 है तो 4 इधर लिख दो। अब 4 भी लिख दिया, 5 भी लिख दिया, बचा इसका 1 बचा, इसका 1 बचा, 1 और 1 मिला के हो जाएगा 2, और 21 में से 2 को हम माइनस कर देंगे तो बचेगा 19 बचेगा। क्या बचेगा 19, तो डेट निकल के आ गई कितनी 1945, ठीक है। अच्छा इसके बाद हम महीने की डेट कैसे पता करेंगे, इसका एक 2 बचा ना तो 2 लिखेंगे, इसका क्या 4 तो 4 लिखेंगे, तो 24 हो जाएगा 24। अब महीना कैसे पता चलेगा, यू एन ओ लास्ट में क्या 4, तो ओ से हो जाएगा अक्टूबर, अक्टूबर। क्लियर, कैसे एक बार और देखेंगे, फिर से देखेंगे, ये 5 है लास्ट का तो 5 लिखेंगे, इसका 4 है तो 4 लिखेंगे। अब आई और 4 लिखने के बाद इसका भी 1 बचा, इसका भी 1 बचा, अब 1 मिला हो जाएंगे 2, और 2 को हम 21 में से माइनस करेंगे तो बचेंगे 19, तो डेट क्या आ गई 1945, ठीक है। इसके बाद अब हमको ये पता करना है कि महीने का मतलब दिन डेट कैसे पता चलेगी, 21 यानी कि इसका 2 लिखेंगे, इसका लिखेंगे हम 4 तो 24 हो जाएगा, और महीना यूएनओ में लास्ट में क्या आ रहा है ओ, तो ओ से अक्टूबर, ओ सी टी अक्टूबर है ना, अक्टूबर हो जाएगा 24 अक्टूबर 1945, ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा अब इसका हेड ऑफिस देखो, इसी में से निकलेगा मुख्यालय, मुख्यालय यू एन ओ, बीच में क्या आ रहा है एन, क्या आ रहा है एन, एन से बनेगा न्यू यार्क, न्यू यार्क, न्यू यार्क, क्या बनेगा न्यू यार्क। न्यू यार्क कहां पड़ता है, अमेरिका में, तो इसका हेड ऑफिस कहां पर है, न्यूयॉर्क यूएसए अमेरिका, न्यूयॉर्क अमेरिका, न्यूयॉर्क कैसे लिखा यू एन ओ, एन से बन जाएगा न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क अमेरिका, हेड ऑफिस यूएनओ का हेड ऑफिस न्यूयॉर्क अमेरिका, क्लियर। अब इसमें कुल सदस्य देश कैसे पता चलेंगे, कुल सदस्य देश, कुल सदस्य देश, कुल सदस्य देश, इसकी स्थापना कब हुई थी 1945 को, कब हुई थी 1945 को। इसमें कुल कितने क्रेडिट आ रहे हैं 1, 2, 3, 4, हमें कुल सदस्य निकालने के लिए आपको ये एक डिजिट छोड़ के ये बचेगा कितना, ये कितना बचेगा, ये वाली डिजिट एक छोड़ देंगे
अब हमने तीन ले ली ना डिजिट, एक बची पूरी डिजिट कितनी थी 4, इसमें से हमने एक डिजिट को छोड़ दिया है तो इसको लिखेंगे 194 और एक छोड़ दिया है एक को माइनस कर दो इसमें से तो इसकी कुल सदस्य हो जाएंगे 194 में से 1 ने माइनस किया तो 193 कितना आ जाएगा। कुछ याद नहीं करना है, सब कुछ एक बार किसी को ट्राई कर देना, सारा का सारा याद हो जाएगा ठीक है। 193 कुल सदस्य देश 193 ठीक हो। इसके बाद आपको देखना है इसके प्रथम सदस्य कौन थे, प्रथम सदस्य, प्रथम महासचिव, प्रथम महासचिव ट्रक बेली, कौन थे, ट्रक बेली प्रथम महासचिव ट्रक बेली नॉर्वे, कहाँ पे थे, नॉर्वे कहाँ पे थे, नॉर्वे। अब वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरेस, एंटोनियो गुटेरेस पुर्तगाल के एंटोनियो गुटेरेस पुर्तगाल के जो वर्तमान है प्रथम महासचिव ट्रक बेली जो कि नॉर्वे के। अब एक बात आती है कि फर्स्ट फीमेल महासचिव कौन है, प्रथम महासचिव, ये गर्व की बात है कि प्रथम महिला सचिव इंडियन की, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू की एक बहन थी, उनका नाम था विजयलक्ष्मी पंडित। तो विजयलक्ष्मी पंडित जो है सन 18 अगस्त 1900 को पैदा हुई थी, उनका जन्म था 18 अगस्त 1900। देखो अब इसके 53 वर्ष बाद, कितना 53 वर्ष बाद ये महासचिव बनी, 1900 में 53 वर्ष, तो कब बनी 1953 में प्रथम महिला महासचिव, प्रथम महिला महासचिव विजय लक्ष्मी पंडित, कौन, जवाहरलाल नेहरू की बहन विजय लक्ष्मी पंडित, विजय लक्ष्मी पंडित कब बनी 1953 और ये 18 अगस्त 1900 डेट बोलते 1995 1980 तो ये बात का हटा दो तो उसकी डेट अगर बात निकल आती है विजय लक्ष्मी पंडित की। अच्छा इसके बाद हमारा एक और है कि भारत कब सम्मिलित हुआ था, है ना, भारत कब सम्मिलित हुआ था, तो ईवेनो की स्थापना कब हुई थी 24 अक्टूबर 1945 24 अक्टूबर। इसका सिक्स डे का 6 दिन बाद हमारा भारत सम्मिलित हो गया था स्थापना के, यानी कि 30 अक्टूबर 1945 को भारत सम्मिलित हुआ था, भारत सम्मिलित हुआ था कब 30 अक्टूबर 1945। एक बार क्या हुआ, एक पाकिस्तान का लड़का और इंडिया का लड़का बोला यूएनओ में सम्मिलित कौन हुआ सबसे पहले, भारत या पाकिस्तान, तो पाकिस्तान का बोला बच्चा कि हमारा पाकिस्तान इंडिया से पहले हो गया, लेकिन पाकिस्तान के बच्चे से इंडिया के बच्चे ने बोला भाई तेरा तो जब जन्म ही नहीं हुआ था जब यूएनओ में भारत सम्मिलित हो गया था,
पाकिस्तान को उसने बताया, पाकिस्तान राय करने को कि तेरे पाकिस्तान का जन्म हुआ था 30 सितंबर और इसके 2 साल बाद 1947 30 सितंबर 1947 तो ये हमने पहले कौन सा मिल गया, इंडिया और पाकिस्तान, याद रखना है पाकिस्तान बाद में हुआ, इंडिया पहले हुआ, ठीक है। 30 अक्टूबर 1945 और 30 सितंबर 1947 डेट एक ही है, महीना अलग है, सन अलग है, क्लियर, ठीक है। इसके बाद हमें ये पता करना है कि यूएनओ में स्थायी परमानेंट कंट्री, परमानेंट सदस्य कितने हैं और कौन कौन से हैं। अच्छा मैं बताइए कि भारत विश्व में सबसे बड़ा देश कौन सा है, रूस है ना, एशिया में सबसे बड़ा देश कौन सा है, रूस। तो जो बड़ा होगा उसी का देश बड़ा होगा, है ना, तो रूस का देश क्या सबसे बड़ा फेस किसका है, रूस का फेस, FACE, FACE, फेस। अब आपको एक चीज और याद हो जाएगी कि दुनिया का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश कौन सा है, रूस। तो रूस जिसका जो व्यक्ति बड़ा होगा उसका फेस बड़ा होगा, तो रूस का फेस यानी दुनिया में एरिया में सबसे बड़ा कंट्री कौन सा है, रूस, ठीक। तो इसमें कुल परमानेंट सदस्य यानी स्थायी सदस्य कितने हैं, तो कितने हैं, 5, कितने हैं, 5। नंबर 1 में लिखेंगे रूस, कितने, रूस। अब एफ से बनेगा फ्रांस, क्या बनेगा, फ्रांस, एफ से बनेगा फ्रांस, ए से बनेगा अमेरिका, अमेरिका, और सी से बनेगा चाइना, चीन, और ई से बनेगा इंग्लैंड, इंग्लैंड, इंग्लैंड को हम ब्रिटेन कहते हैं, क्या कहते हैं, ब्रिटेन कहते हैं। तो 5 कंट्री कौन है, रूस का फेस, सबसे बड़ी दुनिया में एरिया के मामले में कंट्री कौन है, रूस। तो रूस का फेस, रूस, एफ से फ्रांस, ए से अमेरिका, सी से चाइना, ई से इंग्लैंड, यानी कि ब्रिटेन। यूएनओ में कुल 5 सदस्य कौन कौन से हैं, रूस का फेस, रूस दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री है। यूएनए में सब कुछ यूएनओ का उसी में छिपा हुआ है, बस दिमाग लगाना का पूरा आइडिया होना चाहिए, इतना होने के बाद लैंग्वेज और क्या इसका